Hello student, today we will learn about angle sum property of triangle. बच्चों आइए आज हम जानेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है. If you see this figure with animation here, this ray moves from the 0 degree to 180 degree. It means of that the angle sustained in a light एट एनी पॉइंट बाई लीनियर पेयर प्रॉपर्टी इज 180 डिग्री. यदि आप यहाँ इस एनिमेशन को देख रहे हैं तो ये 0 डिग्री से 180 डिग्री में ये जो किरण है, रे जो है, मूव कर रही है. इट मीन्स एट एनी पॉइंट ऑन द लाइन जो एंगल जो बन रहा है वो कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होगा. इसको हम ऋजु कोण भी कहते हैं. किसी भी लाइन पे जो बनने वाला जो कोण होता है किसी बिंदु पर, उसका जो टोटल मान होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है. ओके, now if we see this figure, actually this is a shape of a triangle. If I start the animation of it, it's so that a gamma is the same angle, c and delta is the same angle, and b and beta is the same angle. यदि आप इस फिगर को देखेंगे तो ये एक त्रिभुज के फिगर को शो कर रहा है. यदि मैं इस एनिमेशन को थोड़ा स्टार्ट करूं तो एंगल ए और गामा सेम है, एंगल बी एंड बीटा सेम है, एंड एंगल सी एंड डेल्टा सेम है. अब हम इस एनिमेशन को स्टार्ट करते हैं. इफ यू स्टार्ट दिस एनिमेशन, लुक व्हाट हैपन हियर, दिस ओके मीन्स ये जो एंगल आ रहे हैं हमारे, ये जो एंगल्स गामा एंड डेल्टा ये जो हमारे आ रहे हैं, रोटेट होके आफ्टर रोटेशन ये क्या बन रहे हैं? लीनियर पेयर बना रहे हैं. ओके, इट मीन्स दैट सम ऑफ द ऑल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री. यदि हम इस एनिमेशन से देखें तो ये जो ट्राइंगल के जो एंगल्स हैं वो रोटेट होके अगेन कितना बना रहे हैं? एक रैखिक युग्म बना रहे हैं. एक रैखिक युग्म बना रहे हैं तो इसके एंगल का जो सम आ रहा है वो कितने डिग्री का आ रहा है आपका? 180 डिग्री का आ रहा है. एंड दिस इज ट्रू फॉर एनी शेप ऑफ द ट्राइंगल. यदि मैं अपने ट्राइंगल का शेप को चेंज करूँ, ट्राइंगल के शेप को चेंज करूँ तो इनके एंगल की वैल्यूज भी क्या हो रही? चेंज हो रही है. पहले 39.39, 59.79, 81.82. इफ यू चेंज दिस देन अगेन एंड इफ आई स्टार्ट माई रोटेशन देन द All angles makes a linear pair. Means जो रैखिक युग्म जो बन रहा है उनका जो सम हो रहा है वो कितना हो रहा है? 180 डिग्री हो रहा है. यहाँ पे जब ये एंगल एट प्रेजेंट देख रहे हैं वो 53.48, 69.47 एंड डेल्टा विल बी इक्वल टू 59.95. ये सेम हमारे कौन से एंगल के इक्वल है? देखिए एंगल ए और ये इक्वल इक्वल है, एंगल डेल्टा एंड सी इक्वल है. इसको यदि हम कंप्लीट इस रो एनिमेशन को यहाँ तक लेके जाए, ये मीन्स इन तीनों एंगल का जो सम है 53.48, 56.95 एंड 69.57, इनका जो टोटल सम आ रहा है 180 आ रहा है. ये देखने के लिए हम क्या करें हैं, हमने इस इन ट्राइंगल के एंगल्स को रोटेट किया और एज ए फॉर्म ऑफ लीनियर पेयर एडजस्ट कर लिया. जैसे यहाँ पे हमने जान लिया कि टोटल एंगल का वैल्यू कितना हो रहा है? 180 हो रहा है. यहाँ भी टोटल एंगल वैल्यू क्या हो रहा है? 180 हो रहा है. सो एंड इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर दिस एंगल ट्राइंगल्स, इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर दिस शेप ऑफ ट्राइंगल. यदि हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हो तो भी ये हमारी प्रॉपर्टी ट्रू होगा. देखिए अगर ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल शेप में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तब भी हमारे पास ये प्रॉपर्टी क्या आएगी? ट्रू आएगी. ओके, यदि एक्यूट एंगल फॉर्म में यानी कि न्यून कोण त्रिभुज में भी हम कन्वर्ट करेंगे तब भी हमारा जो ये एनिमेशन क्या शो करेगा कि ट्राइंगल के ऑल एंगल का जो सम होता है वो कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री होता है. सो विद द हेल्प ऑफ द एक्टिविटी आज हमने देखा कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. इट इज ट्रू फॉर एनी शेप ऑफ द ट्राइंगल. ओके, दिस टू एनिमेशन के हेल्प से हमने यहाँ पे ये शो करने की कोशिश किया कि ये टोटल एंगल 180 होता है. तो ट्राइंगल के तीनों एंगल को हम लीनियर पेयर फॉर्म में क्या कर सकते हैं? अरेंज कर दिया.
तो ये भी टोटल एंगल कितना आया, 180 डिग्री आया. ओके, हैंस द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री इन एनी शेप ऑफ ट्राइंगल, आर एक्यूट एंगल ट्राइंगल, आर राइट एंगल ट्राइंगल, आर ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल. ओके, थैंक यू.